देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। आपके पास सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ अ रेशनल फंक्शन, वो भी प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, न्यूमरेटर से। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो भी फैक्टराइजेबल है। क्यों फैक्टराइजेबल है? इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा जब भी आप कैलकुलेट करोगे, है ना। इसका मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब हम इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है। जब फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद फैक्टराइज करने के बाद आप क्या करोगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे। दैट मीन्स जो भी रेशनल एक्सप्रेशन है इसे मोर देन टू रेशनल एक्सप्रेशन में ब्रेक करेंगे जो सिंपलर होगा, इसका मतलब पार्सली ब्रेक कर लेंगे। तो 2x और नीचे जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे आप फैक्टराइज, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। नाउ इसे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन दिस इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट b अपॉन दिस इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर। और जो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई दैट इज एन आइडेंटिटी, है ना, ये आइडेंटिटी होगी। अब अगर आइडेंटिटी है तो हर एक्स के लिए एक्सप्रेशन ट्रू होगी। खैर, हम लोग ए और बी निकालते हैं, और आपको पहले हम तीन क्वेश्चन में दो तरीके बता चुके हैं, तीसरा तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे करेंगे। अगर आपको जानना है कि बाकी ए और बी कैसे निकाल सकते हैं तो बाकी दो क्वेश्चंस को प्रीवियसली जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी 2, 1, 2, 3 जितने भी हैं, तीन क्वेश्चन आप देख सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 x प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू x प्लस 1, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या x का कोफिशियंट देख लीजिए क्या आएगा, यहाँ से आपका a बनेगा कोफिशियंट और यहाँ से b इंटू x मतलब कोफिशियंट प्लस का b बनेगा, फिर 2a क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, और यहाँ से b कांस्टेंट हो जाएगा प्लस का b, है ना। अब दोनों तरफ आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है, कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ x, है ना, ये लिख दीजिएगा। यहाँ पे x का कोफिशियंट 2 है और इस साइड में कोफिशियंट क्या है, a प्लस b है, इसका मतलब दैट इज वन ऑफ द इक्वेशन। लेकिन अननोन तो दो है, हमें दो इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म को भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म इधर अब्सेंट है मतलब जीरो है, और उधर क्या है आपका 2a प्लस बी है, ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। देर आर टू लीनियर इक्वेशंस और दो वेरिएबल हैं, दोनों को आप क्लास 10th में पढ़े होंगे सॉल्व करना, है ना, चाहे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, चाहे जैसे करिए आपको जो आता हो। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2a, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। दूसरा तरीका है इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया जाए, क्योंकि b के कोफिशियंट तो बराबर ही हैं, तो हम जल्दी से इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो चेंजिंग द साइन ऑफ, ठीक है, लोअर एक्सप्रेशन, तो ये b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a और माइनस 2a माइनस a आ जाएगा, और इधर 2 माइनस 0 मतलब 2 आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई, माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए माइनस 2, तो b की वैल्यू क्या दिख रही है, माइनस 2 इधर आएगा, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड b इक्वल्स टू आप क्या कहोगे, 4 हो गया, है ना। तो ये आपको निकालना था। बाकी आप बताइएगा कि जो हमने बाकी क्वेश्चंस में बात की है a और b का कोफिशिएंट निकालने के लिए, कौन सा तरीका आपको बेटर लगा, है ना, आप कमेंट करिएगा नीचे। खैर, तो हम आगे ही प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे नीचे, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं, हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है। तो a की वैल्यू यहाँ माइनस 2 रख देंगे और b की वैल्यू आप क्या रख दोगे, 4 रख दोगे, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन बोथ साइड, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हुआ इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना, और इसका मतलब हुआ इन दोनों एक्सप्रेशन का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा आपका, x प्लस 1 dx, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx। अब क्या हो जाएगा आपका, ये log ऑफ 1 अपॉन लीनियर ऑफ, हमेशा क्या होता है log mod ऑफ जो भी लीनियर फैक्टर है x प्लस 1, है ना, और x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन में कुछ लिखेंगे नहीं, 1 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना, प्लस 4
log of mod, क्या लिखोगे, x plus 2 or plus 1 of the indefinite constant. Answer ये भी हो सकता है, लेकिन आगे भी हम solve करके answer दे सकते हैं. ठीक है, क्या दे सकते हैं हम solve करके, देख लीजिए. यहाँ से पहले हम 2 common कर लें तो क्या बचेगा. अच्छा, माइनस वाले को हम बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, एक काम ये भी कर लेंगे हम. तो हमने क्या किया, 2 log mod of x plus 2, पॉजिटिव को पहले लिख रहे हैं, माइनस वाला बाद में, क्योंकि 2 कॉमन हो गया तो इसका सिर्फ माइनस बचेगा. तो log of mod of x plus 1 और प्लस c. अब देखिए, log ये 2 क्या होगा, log की प्रॉपर्टी से इसके ऊपर जाएगा, है ना, 2 यहाँ से चला गया. अब ये m हो गया, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाएगा. तो हम इसी स्टेप में कर दे रहे हैं, दैट इज मॉड ऑफ x प्लस 1. ठीक है, और ये वाला हटा दे रहे हैं, है ना, दैट इज योर, अब ब्रैकेट कोई मतलब नहीं रह गया, 2. अब एक चीज़ और कर सकते हो, है ना, प्लस c. एक चीज़ और कर सकते हैं आप, कि ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड का कोई मतलब नहीं हुआ, या एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं हुआ, तो यहाँ सिंपल ब्रैकेट टेस्ट कर सकते हैं. तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर. आप देख लीजिएगा आपके पास क्या आंसर अवेलेबल है, ये आंसर अवेलेबल है या जस्ट प्रीवियस स्टेप आंसर अवेलेबल है.